हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का यूनिक टॉपर्स में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने स्टार्ट की हुई है एक क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज और उसमें हम पढ़ रहे हैं बहुत ही आसान सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम करते हैं उसकी नेक्स्ट क्लास। आज होने वाले हैं आरडी शर्मा के एंड एनसीईआरटी के कुछ अच्छे से क्वेश्चन, जिसको करके आपका दिल और दिमाग दोनों खुल जाएगा और दोनों को शांति मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पधार चुके हैं और हम भी आपके बीच पधार चुके हैं, आप लोग भी रेडी होके कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से पहला क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए पॉज करना और करने का प्रयास करना। अगर आप भी चाहते हैं अपनी मैथ इंप्रूवमेंट करना तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। जय श्री राम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है इन फिगर फाइंड टेन पी, फाइंड टेन पी एंड और कॉट और। आपको क्या बताना है? टेन पी और कॉट और बताना है। और दिया क्या है? एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इज टेन पी इक्वल कॉट और। और आपको बताना है क्या टेन पी कॉट और के इक्वल है, ये भी आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या गिवन है? राइट एंगल ट्रायंगल बेचारा छुटका सा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या है? पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड आपको 12 दिया हुआ है और एक साइड कितनी है इसकी? तो एक साइड इसकी है 13, ये 13 होगा, ये 12 और 13 है, ठीक है, एक 12 है और एक 13 है। अब मुझे बताना है टेन पी। अब मुझे क्या चाहिए? टेन पी चाहिए बेटा, मुझे टेन पी चाहिए। तो टेन पी, सबसे पहले बताओ एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ रेफरेंस बताओगे कि एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा पी है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने वाली लाइन किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? आर क्यू, ठीक है। तो और टेन पी में मुझे जरूरत किसकी पड़ती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे पास तो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइड गिवन है, एक ये पता है और एक ये पता है, लेकिन मुझे निकालनी है एक थर्ड साइड। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बचपन से करते चले आ रहे हैं, क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम और पता करते हैं अपना बेस, क्या है मेरा पास बेस। तो देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इधर देखिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है? 13, 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है अपना? 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? आर क्यू, तो आर क्यू लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना सा क्लियर है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 169 में बेटा 144 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? बोलोगे आ जाएगा ये 25 बराबर आ गया आपका आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे? 5 आ जाएगी, बहुत ही आसान है आर क्यू निकालना। तो आपकी आर क्यू कितना आ गई? 5। तो ये आर क्यू की वैल्यू आपके पास 5 यूनिट आ गई, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू आपके पास जैसे ही 5 यूनिट आई तो आपको क्या चाहिए था टेन पी के लिए? टेन पी के लिए आपको चाहिए था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही चाहिए था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ऑफ रेफरेंस बहुत ध्यान रखना, एंगल ऑफ रेफरेंस कितना है? तो पी है एंगल ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये पॉइंट जब मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होगा तो परपेंडिकुलर का काम जस्ट ये वाली लाइन करेगी, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5। और एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट लाइन यानी कि ये वाली लाइन किसका काम कर जाएगी? बेस का। तो क्या हो जाएगा मेरा? 5/12, ये 5/12 किसकी वैल्यू हो जाएगी? टेन पी की वैल्यू। तो मैंने टेन पी तो निकाल लिया आसानी से, आप लोगों ने भी निकाल लिया होगा। अब आइए बताते हैं कॉट आर, क्या निकालना है एक मुझे? तो एक मुझे निकालना है कॉट आर, निकालना है कॉट आर। एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा चेंज हो चुका है, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हो चुका है? आर हो चुका है। तो और मेरे कॉट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जो पूछे उसको बता रहे हैं, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो बोलोगे 1/10, यही तो होता है ना, ठीक। तो 1/10 हो जाएगा कॉट, तो यानी कॉट और एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा क्या हो गया? आर हो गया। तो इसमें मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? बेस अपान परपेंडिकुलर की बेटा। अब बेस अपान परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, एंगल ऑफ रेफरेंस आर के लिए मेरा बेस बोलोगे 5 हो जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर बोलोगे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5/12। तो आपने देखा tan p एंड cot r कितना आया, तो 5/12 एंड 5/12 दोनों आ चुके हैं दोनों। अब मुझे बताना क्या है आगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको तो ये बताना था tan p एंड cot r, तो मैंने tan p और cot r दोनों निकाल दिए जो कि आपके सामने है। अब एक अगला क्वेश्चन जो है ये वाला, ये बोला हुआ है इज tan p इक्वल cot r, क्या ये है tan p आपका cot r के बराबर है, तो आइए देखते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप लिखोगे tan p, कहां करते हैं यहां पे कर देते ना, ध्यान रखना यहां पे करने जा रहा है। आप लिखोगे tan p इक्वल cot r, लिखेंगे ऐसा। तो tan p की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, बोलोगे 5/12 निकाली, तो 5/12 लिखा। फिर क्या cot r की वैल्यू भी कितनी निकाली, 5/12, तो ये मेरा कितना हो गया 5/12। तो क्या दोनों देखो 5/12 आ रहे हैं, तो बोलोगे यस tan p इक्वल cot r, क्लियर हुआ ना। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, सभी को समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको दोबारा देखना और करने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक झमझमाता हुआ क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, PQ इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड RQ इक्वल 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन P, साइन R, sec P एंड sec R। हमें चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता ना, लेकिन आप कर सकते हो, प्रयास तो करो। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले क्यू पे है, तो हम सबसे पहले एक बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पी पे, क्यू पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, पी को मैंने यहां दे दिया और क्यू को मैंने यहां दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PQ इक्वल 4 सेंटीमीटर, तो PQ मेरा कितना हो गया 4 हो गया, ए 4 है, ठीक है, और मेरा RQ कितना है, बोलोगे 3 है, 3 हो गया। आप अपनी आंखें खोल के जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, उसमें दो साइडें दिखे, तो आप बिना पूछे और बिना जांचे आप थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से पहले ही निकाल लिया करो। तो यहां भी जस्ट ऐसा ही काम हुआ है, तो एक आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको एक बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूस सबसे पहले निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या हो जाएगा, अब बार बार बेस और परपेंडिकुलर हमसे नहीं लिखा जाएगा, तो अब लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। अब तो याद ही हो गया होगा मेरे बच्चों को हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर बराबर 25, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5 आएगा ना, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेनस आ गया आपका 5। अब मुझसे जो पूछा है इसका 1/1 हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, चलिए तो आइए बात करते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या पूछा है, तो बच्चा लोग सबसे पहले पूछा है आपसे साइन पी में एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, बोलो जल्दी से, साइन पी में एंगल ऑफ रेफरेंस बोलोगे पी है, तो जब साइन पी में एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा पी है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे मेरा QR हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा QR हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा QR हो जाएगा, ठीक है। तो साइन P के लिए किसकी जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, तो आइए बात करते हैं साइन P के लिए मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन पी एंगल ऑफ रेफरेंस पी के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलोगे 3 है, और मेरा हाइपोटेनस कौन सा है, तो 5 है, तो tan p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, इट इज क्लियर और नॉट। अब आगे क्या पूछा है, चलो आगे मेरा पूछा हुआ है, मास्टर साहब आप बताओ साइन r क्या होता है। अब साइन r पूछ लिया है, तो साइन r तो मेरे बच्चे ही बता देंगे, साइन r एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, तो बोलोगे एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इस पे मेरा आर दे दिया है, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आर हो चुका है और साइन के लिए मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आर है, एंगल ऑफ रेफरेंस बेटा अगर आर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा
PQ और हाइपोटेन्यूस एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज फिक्स होती है, ऐसा मैंने पहले बता रखा है। तो PQ कितना है मेरा 4, PR कितना है मेरे पास 5, तो साइन आर कितना आ गया, साइन आर आया 4/5। बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या पूछा हुआ है, सेक पी पूछा है, तो बात करते हैं सेक पी की। सेक पी फिर से एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा चेंज हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस फिर से क्या हो चुका है, तो बोलोगे एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा पी हो चुका है, हो चुका है ना पी। तो जब मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस पी हो चुका है तो सेक का मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पहले मैं पूछना चाहता हूं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, तो बोलोगे सेक मेरा कॉस पी का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो मेरा कॉस क्या होता है, बोलते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो लिखते हैं सबसे पहले हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब मेरा जब एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा पी है तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है यानी कि पी आर, और बेस क्या हो जाएगा साइन पी के लिए, एंगल ऑफ रेफरेंस पी है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस बेटा क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा पी क्यू, तो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर कितना है 5 यूनिट, पी क्यू कितना है 4 यूनिट, तो 5/4 क्या आ जाएगा सेक पी आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए, अब आप लोग निकालेंगे चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि क्या है सेक आर, क्या है सेक आर, लिखेंगे बढ़िया से पहले सेक आर, बात आती है सेक आर की, सेक आर अब रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हो चुका है, तो बोलोगे एंगल ऑफ रेफरेंस हो चुका है सेक आर, यानी कि आर हो चुका है एंगल ऑफ रेफरेंस। जब एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा आर हो चुका है और सेक के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो अभी जस्ट बताया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की जरूरत पड़ती है, तो जब एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा आर हो गया तो मेरा उसके एंगल ऑफ रेफरेंस की एडजेसेंट साइड जो होती है, एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड किसका काम करती है, तो बेस का। एंगल ऑफ रेफरेंस अगर पी है तो मेरी ये यानी कि आर क्यू लाइन किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी, तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है, कोई मतलब नहीं इससे। अब बेस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बेस मेरा क्यू आर हो जाएगा, पी आर कितना था 5, क्यू आर कितना था 3, तो कितना आ जाएगा 5/3। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप सभी को आ गया होगा, और बिल्कुल अच्छे से ही समझाया गया है और आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर से वही बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है, कोशिश करो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास है, If 3 cot theta equal to, तो आपको फाइंड करना है the value of 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta, हमें इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है, बहुत ही जटिल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अरे आ जाएगा समझ में, चलो पहले तो इसको व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो चुका है व्यवस्थित, फिर करते हैं इसको क्लियर, अब करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या दिया है, cot theta, अब देखो बेटा ये इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इसको क्या हम 2/3 नहीं लिख सकते, बोलोगे बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 cot theta equal 2 था, तो मेरा cot theta equal क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, cot theta equal 2/3, तो अब मेरा cot theta का trigonometric ratio क्या होता है, तो बोलोगे क्या भाई, भाई तो cot theta बराबर 2/3, cot theta क्या होता है, बोलोगे बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलोगे tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो cot theta बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा कितने यूनिट का 2 यूनिट का, परपेंडिकुलर मेरा कितने यूनिट का तो 3 यूनिट का। अब बात आती है, हम बना लेते हैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है,
थीटा मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, मान लेते हैं कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ मान लो, वहां मान लो, जहां इच्छा करे वहां मान लो, ठीक है। तो ये बात बन गई। अब मेरा बेस चाहिए, जब एंगल थीटा है यानी एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा हुआ, तो बेस का काम कौन सी लाइन करेगी बेटा, तो बोलोगे एबी करेगी। और वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो 2 यूनिट गिवन है। परपेंडिकुलर एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने की लाइन, एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट सामने की लाइन, परपेंडिकुलर का काम, तो कितना हो जाएगा ये 3। अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, अब मुझे तीसरी साइड निकालना है, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ स्वागत करिए और लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9। तो हाइपोटेनस बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13 आएगा ना बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 13। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट 13। इतनी सी बात क्लियर है, तो ये हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे तीनों साइडें पता चल गई हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि मुझे बताना है। तो मुझे बताना क्या था, ठीक है, तो मुझे बताना क्या था, तो बोलोगे मुझे तो बताना था कि 4 sin θ - 3 cos θ / 2 sin θ + 6 cos θ, मुझे तो ये बताना है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की और धीरे धीरे समझिएगा। तो सबसे पहले मुझे बताना है 4 sin θ, ये तो बताना है, 4 sin θ लिख लिया, फिर 3 cos θ / 2 sin θ, तो 2 sin θ हो गया प्लस 6 cos θ, ये भी हो गया ना। अब देखो 4 sin θ क्या होता है बेटा, तो बोलोगे sin θ मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लेते हैं आपके सामने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लिया, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लिया, फिर 3 into cos θ क्या होता है, तो cos θ बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस सिर्फ थीटा ही है, कोई दूसरा एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसमें कि हम आसानी से बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है अब यहाँ पे 2, फिर साइन थीटा बोला है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस 6 cos θ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिएगा बात है इसकी, तो अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस, तो क्या ले सकते हैं हम, हाइपोटेनस का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर कम क्लियर होता है तो हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर आगे से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं, यही करना, चलो देखो 4 into परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना बोलोगे 3 upon हाइपोटेनस कितना है √13। अरे बेटा एंगल ऑफ रेफरेंस जब मेरा थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर मेरा BC हो जाएगा ना, ये BC, और फिर मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC हो जाएगा, तो भाई तो लिखा मैंने 3 upon √13, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है 3 into बेस कितना है बोलोगे 2 है, हाइपोटेनस कितना है तो √13, तो 2 upon √13 हो गया अपॉन, फिर आती है बात फिर से यही, तो 2 into P/H कितना आया 3 upon √13, ठीक है, और प्लस 6 into base upon hypotenuse कितना आया 2 upon √13, कितना आ गया, इतना सा सभी को क्लियर है ना, तो इतना सा क्लियर है, तो आइए करते हैं इसको। तो क्या आएगा ये 4 into 3 था, तो कितना हो जाएगा 12 upon √13, फिर बीच में माइनस का साइन था, फिर क्या था 3 into 2 upon √13 यानी कि 6 upon √13, 3 2 6 होता है तो 6 upon √13, ये हो गया, फिर अपॉन फिर क्या होगा, फिर है मेरा 3 into 2, तो 6 upon √13 प्लस 12 upon √13, 6 upon √13 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 13,
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखना कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 13 और 13 का क्या ले लेते हैं बेटा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 का जब एलसीएम लिया तो ऊपर कितना बचेगा, 12 बोलोगे, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6। ये तो इतना सा सॉल्व हुआ। अब ये मेरा लगा हुआ है अपॉन लगाया, फिर यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13 ले लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो 6 प्लस 12। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बोलोगे, 6 अपॉन अंडर रूट 13 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 प्लस 12, तो 18 अपॉन अंडर रूट 13। ये क्लियर है ना सभी को, 6 अपॉन अंडर रूट 13 अपॉन 18 अपॉन अंडर रूट 13। समझ में आया इतना सा। अब क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 6 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 अपॉन 18। तो अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कैंसिल आउट, 6 से कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/3। तो क्या आया मेरा आंसर, 1/3। क्वेश्चन क्या था मेरा, तो यानी कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, तो 1/3 आ गई। ठीक है ना, समझ में आया सभी को, बढ़िया से। चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sec थीटा इक्वल 13/5 सो दैट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल 3। हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से। करना क्या है, सबसे पहले आपको sec थीटा की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, तो sec थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो दैट करना, आपको दिखाना है, इसको सॉल्व करके देखना है क्या ये 3 के बराबर आ जाएगा, तो आप कर सकते हो ना। करना क्या है, सबसे पहले sec थीटा का आप रेशियो बनाओ, रेशियो बनाने के बाद आप इस पे अप्लाई करो, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, उसके बाद आपका आंसर 3 ही आएगा, ठीक है ना। कोशिश करो, चलो जल्दी से, फिर हम बताते हैं। sec थीटा इक्वल 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो सबसे पहले मुझे तो क्वेश्चन उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब sec थीटा बराबर दिया हुआ है मेरा 13/5। sec थीटा क्या होता है बोलोगे, sec थीटा मेरा क्या होता है, तो sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि ये वैल्यू अगर मेरी हाइपोटेनस की है तो ये वैल्यू मेरी कितनी है, बेस की है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस साइड, सबको दिखता है ना इधर, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट ए, थीटा कंसीडर किसको कर लेते हैं, इसको, हो गई इतनी सी बात। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मेरी कौन सी लाइन हो जाएगी बोलोगे, BC हो जाएगी, तो उसको हमने दे दिया 13 यूनिट, और बेस मेरा कितना हो जाएगा 5, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा BA, तो BA को दे दिया 5। अब मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें पता हैं, तो हम बहुत दिनों से ऐसा काम करते चले आ रहे हैं कि थर्ड साइड मुझे निकालनी होती है, तो किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है मुझे, यानी कि AC, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, AC स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, तो AC बराबर मेरा आ जाएगा 144, AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर आया 144, AC स्क्वायर बराबर मेरा 144 आया, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बोलोगे 12 का स्क्वायर रूट होता है,
तो वहीं पे क्या आ गया, मेरा एसी की वैल्यू 12 आ गई। सभी को समझ में आया ना? ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप बस इस पे अपनी वैल्यू अप्लाई करो। तो इसको करते हैं पहले साफ। जैसे कि ये था मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा क्या था, बेस था, क्योंकि सेक था। अब 2 sin theta 2 into साइन थीटा के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की माइनस 3। कॉस थीटा के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की अपॉन 4। फिर साइन थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस 9। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। गूंगे बहरों के तरीके बैठे मत रहा करो। हाँ या ना आपको करना है, समझ में आ रहा है तो हाँ करना है, नहीं आ रहा तो नहीं करना है। भले ही मुझे आपकी आवाज़ सुनाई ना दे, बट आप जहाँ पे बैठे हो आपको ऐसा करना है। अगर सच में आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया करो, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं लेट के देख रहे हैं आराम से वीडियो, ठीक है। राहुल गांधी के फैमिली से बिलोंग नहीं करते जो ऐसा काम करोगे। ये आया मेरा 2, फिर इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बोलोगे 12 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा मेरा 12 अपॉन 13 माइनस